क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय नेतृत्व को कोई संदेश देना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाल ही में कई कार्यक्रमों के दौरान उन्हें भावुक देखा गया। 1 अक्टूबर को जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, ऐसा भैया दोबारा नहीं मिलेगा तुम्हें, जब जाऊंगा तब बहुत याद आऊंगा। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। वहीं अब जब बीजेपी द्वारा विधानसभा चुनाव में कई दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा गया है और अब तक सीएम शिवराज सिंह चौहान की सीट का ऐलान नहीं हुआ है, ऐसे में चुनाव से ठीक पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान बार बार जनता से पूछ रहे हैं चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। सीएम शिवराज के इन बयानों से तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। जब सीएम शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया गया कि वे बार बार जनता से चुनाव लड़ने के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, तो उन्होंने इस पर चौंकाने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा, इस सब का मतलब भाई बहन समझते हैं, मामा और उनके प्रदेश के परिवार की जो जनता है वो समझती है। चुनाव लड़ेंगे तो जनता से पूछ कर लड़ेंगे। हम कहते हैं कि चुनाव लड़े या नहीं, तो जनता कहती है लड़ो, ये हमारा परिवार का रिश्ता है। इसको समझने के लिए काफी गहरी दृष्टि चाहिए। इस सब के बाद अब सवाल उठ रहा है कि बार बार सीएम शिवराज ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या सीएम शिवराज मंच से इमोशनल दाव खेलकर केंद्रीय नेतृत्व को कोई संदेश देना चाहते हैं? मेरे भाई